हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 के टॉप 20 क्वेश्चन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 18 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही पार्ट आपके आने वाले समय में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जादव पाइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, जादव पाइंग। इन्हें भारत का फॉरेस्ट मैन कहते हैं, यानी कि इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्हें 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों, ये कहाँ के हैं? ये हैं असम के। याद रखिएगा, ये एक किसान हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जो यूके की महारानी हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इन्हीं के द्वारा पाइंग को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो सेवाएं हैं, उसी के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कंपनी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा, लार्सन एंड टूब्रो। दोस्तों, इसे L&T के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को राम मंदिर की जिम्मेदारी दी गई है। और यह वही कंपनी है जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा, जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले समय में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अपने हर सेट पेपर में डिस्कस जरूर करता हूँ। तो हम जरा इसको देख लेते हैं। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है दोस्तों? 182 मीटर। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ से दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। तो याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राम मंदिर, इन दोनों की ही जिम्मेदारी, यानी कि दोनों के ही कार्य लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराकर महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। और याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल क्या रहा? इसका आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने पांचवी बार यह जीत हासिल की है। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई बेथ मूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों, 19 देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस अवार्ड की घोषणा 20 में की गई है, यानी कि 20 में इन अवार्डों को बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है PV सिंधु। और साथ ही साथ आपको याद रखिएगा, आपको याद रखना है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और दोस्तों, कोच पुलिला गोपीचंद को मेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों, सुनील जोशी को। याद रखिएगा, सुनील जोशी पूर्व भारतीय स्पिनर हैं और इन्हीं को BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, BCCI, याद रखिएगा, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। और BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो BCCI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व की टॉप 500 NGO की सूची में कौन टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों, बराक। याद रखिएगा, बराक ये लगातार पांचवी बार
इस सूची में नंबर वन पर रहा है। दोस्तों बराक ये एक बांग्लादेश का एनजीओ है और इसकी स्थापना की गई है 1972 में। याद रखिएगा वर्तमान समय में यह गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण और रोजगार के लिए कार्य कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर है लग्जमबर्ग। याद रखिएगा लग्जमबर्ग दुनिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव किसे घोषित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अजय भूषण पांडे। याद रखिएगा इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। किसका? राजीव कुमार का। भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहां शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। बात नई दिल्ली की हुई है तो यहां से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड हैं, तो आप याद रखिएगा, दिल्ली में ही रेलवे ने COVID-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। और दोस्तों 5T योजना को यानी कि 5T प्लान की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो दिल्ली सरकार ने 5T प्लान की शुरुआत की है। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों कीरोन पोलार्ड। याद रखिएगा ये वेस्ट इंडीज के हैं। दोस्तों इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं वेस्ट इंडीज के ही ड्वेन ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर है डेनिस सिमगल। दोस्तों यूक्रेन, याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी है कीव। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज। याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस IIT के शोधकर्ताओं ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन विकसित किया है? इसका सही आंसर है IIT मद्रास। दोस्तों यह ड्रोन भारत की सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है करीना कपूर। आप याद रखिएगा पूमा जर्मन कंपनी है। कहाँ की? जर्मन कंपनी। दोस्तों बात ब्रांड एम्बेसडर की हुई है तो याद रखिएगा, अभी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने विश्वनाथ आनंद को अपने कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों क्रिक किंगडम, याद रखिएगा क्रिक किंगडम ये एक ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BWF के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है PV सिंधु को। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिमल जुल्का। याद रखिएगा इन्हें इनके पद की शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई है। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन कहां किया? इसका सही आंसर है दोस्तों असम के नलवाड़ी जिले में। याद रखिएगा दोस्तों भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए असम के नलवाड़ी जिले में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया है। दोस्तों यह ट्रेनिंग किसी भी परिस्थिति में खतरे से निपटने के लिए आयोजित की गई है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य है यह ट्रेनिंग किसी भी परिस्थिति में खतरे से निपटने के लिए आयोजित की गई। जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों भारत माता चौक। सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। याद रखिएगा श्रीलंका के कच्चतिवु द्वीप में हर साल आयोजित होने वाला सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव मनाया गया। दोस्तों सेंट एंटनी समुद्री संरक्षक संत के रूप में श्रीलंका में पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चप चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम। याद रखिएगा यह मिजो समुदाय का सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक खुशी से मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व को राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय बसंत उत्सव भी माना जाता है। पेप्सी को ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? इसका सही आंसर है दोस्तों शेफाली वर्मा। याद रखिएगा शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।